एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर में सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। मानसून सक्रिय होने से रविवार रात को शहर और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। इस दौरान जोधपुर शहर व शेरगढ़ में 2 इंच पानी बरसा और वहीं आज भी सावन के शुभारंभ और पहले सोमवार पर भी बारिश हुई। शहर के कई इलाके भी बारिश से भीग गए और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का दौर आगामी 1 सप्ताह तक बना रहेगा। बीकानेर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भंवरलाल मेहरा ने सोमवार को संभागीय आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मेहरा ने कहा कि संभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखने, कोविड-19 में सुरक्षा व उपचार प्रबंधन, टिड्डी नियंत्रण और मनरेगा और प्रवासी मजदूरों को रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मेहरा ने प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर सहित राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जोधपुर संभाग के नव नियुक्त संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने सोमवार को दोपहर में पदभार संभाल लिया। पिछले करीब 1 माह से अधिक समय से जोधपुर संभागीय आयुक्त की कुर्सी खाली थी। इस पद का अतिरिक्त कार्यभार जिला कलेक्टर संभाल रहे थे। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि गरीब व निर्धन व्यक्ति की सुनवाई उनकी प्राथमिकता में रहेगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी अपना काम अच्छे से करे, जैसे समय पर कार्यालय में पहुंचे और कार्यालय में पूरा समय दें। जनसंघ के संस्थापक भारतीय राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती बीकानेर में मनाई गई। नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष महावीर रांका ने डॉक्टर मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि वे एक मुखर राजनीतिज्ञ थे। डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर नाल रोड स्थित पोष हनुमान मंदिर क्षेत्र में 100 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। पौधे लगाने वाले स्थान पर तारबंदी कर दी गई है तथा शीघ्र ही पौधे लगा दिए जाएंगे। इस दौरान पूर्व पार्षद राजेंद्र शर्मा, टेकचंद यादव, तेजाराम, रमेश सैनी, आदर्श शर्मा, मनीष राजपुरोहित, मनोज गहलोत, गौरीशंकर देवड़ा, रमेश भाटी आदि उपस्थित रहे। जोधपुर शहर में अब धीरे धीरे कई निजी स्कूलों में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं का विरोध तेज होने लग गया। इन स्कूलों में पढ़ने वाले अभिभावकों ने ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने और कोरोना के कारण बंद रही स्कूलों में फीस माफी करने की मांग की है। सोमवार को भी कई निजी स्कूलों में अभिभावकों ने प्रदर्शन कर इन मांगों को दोहराया। बीकानेर जिले में कोरोना संक्रमण के केस थमने के बजाय और बढ़ रहे हैं। सोमवार को 25 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जो कि लून करणसर कस्बे में एक ही समाज के बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही बीकानेर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 543 हो गई है। सबसे चिंता की बात यह है कि नए मिल रहे मरीजों की हिस्ट्री खंगालने के लिए स्वास्थ्य अमले के पास कार्मिक कम पड़ रही है। एसीबी के नए डीआईजी ने भी संभाला कार्यभार। जोधपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नए डीआईजी डॉक्टर विष्णुकांत ने सोमवार को पदभार संभाल लिया। वे सवाई सिंह गोदारा की जगह यहां स्थानांतरित होकर आए हैं। सवाई सिंह गोदारा को एसीबी जयपुर के डीआईजी पद पर लगाया गया है। डॉक्टर विष्णुकांत पूर्व में जोधपुर रह चुके हैं और वे विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। पीबीएम हॉस्पिटल में आज ब्राह्मण समाज के दानदाताओं के सहयोग से 30 स्ट्रेचर भेंट की गई। ट्रोमा सेंटर में समाज के दानदाता सत्यनारायण तावनिया रिडी, ब्रजनाल तावनिया बिग्गा, पीबीएम हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पी के बेरवाल, डॉक्टर बी एल खजोटिया के ये स्ट्रेचर भेंट किए गए। संस्था के अध्यक्ष मनोज सारस्वत ने बताया कि कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं का सम्मान पत्र देकर सम्मान किया गया। बीकानेर में भारतीय तीरंदाजी संघ नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी कमेटी का गठन आगामी 4 वर्षों के लिए किया गया। राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी कमेटी में बीकानेर के अनिल जोशी को भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा पैरा तीरंदाजी कमेटी के सदस्य नियुक्त किया गया। जोधपुर के डांगियावास पुलिस ने महिला पर जानलेवा हमला कर फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 12 बोर की बंदूक और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। डांगियावास थानाधिकारी लीला राम ने बताया कि गत 3 जून को दोपहर में पालासनी गाँव स्थित सेवालों की ढाणी में बदमाश राजूराम विश्नोई ने खेत में रास्ते के विवाद को लेकर गुड़िया विश्नोई पर हमला किया था। उसे एक बोर डबल बैरल डबल ट्रिगर बंदूक में 15 जिंदा तथा 2 खाली कारतूस बरामद के साथ गिरफ्तार किया है। जोधपुर में राजीव नगर महादेव वाटिका में सावन के प्रथम सोमवार पर वृक्षारोपण कर भोलेनाथ के दरबार में माथा टेका गया। पर्यावरण प्रेमी महिला मंडल अध्यक्ष चीनू देवी चौधरी ने पेड़ों को पानी डालने की शपथ दिलाई। महिलाओं ने सावन में लहरिया पहनकर वृक्षारोपण किया। खांडा फलसा थाना के पुलिसकर्मियों का सम्मान जेएनडीजे साउंड द्वारा चांदपोल चौका में किया गया।
थानाधिकारी खांडा फलसा ईश्वरचंद पारिक, सब इंस्पेक्टर श्याम सुंदर शर्मा, चांदपुल चौकी इंचार्ज ASI फूसाराम, मुंशी भंवर, रीडर CI महिमबाल सिंह, सोमराज का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया। जोधपुर के मंडोर उद्यान स्थित नागादड़ी में सोमवार को एक युवक का शव मिला। उसकी पहचान दोपहर तक नहीं हो पाई। उसे रविवार अल सुबह एक महिला ने नागादड़ी में कूदते देखा था और बाद में पुलिस को सूचना दी गई। तब युवक पानी में नजर नहीं आया और आज शव पानी में नजर आने पर सिविल डिफेंस के गोताखारों की मदद से शव बाहर निकलवाया गया। जोधपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और अन्य मांगों को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया और साथ ही अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि दूसरे विभागों में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई, लेकिन जोधपुर में सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जोधपुर में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी रंग मल्हार का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इसमें नामी चित्रकारों से लेकर नवोदित कला प्रतिभाएं और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कोरोना की वजह से इस बार किसी स्थान पर सामूहिक आयोजन नहीं होने की वजह से रंग मल्हार दिवस पर कलाकारों ने अपने अपने घरों में बैठकर ही कैरी बैग पर पेंटिंग की। जोधपुर जिले में चिचरली के ग्रामीणों ने लूणी विधायक महेंद्र विश्नोई का ज्ञापन सौंपकर चिचरली में उच्च जलाशय के निर्माण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि चिचरली गांव में पानी की पिछले कई सालों से समस्या है। ग्रामीणों को पानी के दाम देकर टैंकर डलवाने पड़ते हैं। ग्राम पंचायत समिति में अधिक आबादी होने के कारण आसपास का लंबा क्षेत्र होने से पानी की टंकी की बड़ी आवश्यकता है। CISF जोधपुर एयरपोर्ट इकाई की तरफ से उप कमांडेंट एवं मुख्य एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीथावास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सहकारी भवन में 151 पौधे लगाए गए। उप कमांडेंट मनोज कुमार ने बताया कि बल मुख्यालय के निर्देशानुसार अलग अलग स्थानों पर कुल 500 पौधे लगाए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।